आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन और बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के जॉइंट एमडी रामदेव अग्रवाल है। उनसे बातचीत करने के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल, हर साल मुझे एक ही रिपोर्ट का, एक ही स्टडी का इंतजार रहता है, जिससे कि जो कुछ मैं पिछले साल तक सीखा हूं उसमें थोड़ा कुछ और इजाफा हो, कुछ इन्वेस्टमेंट के तौर तरीके, कंपनियों को पढ़ने के तरीके, उनको बिजनेस के समझने के तरीके, उनके वैल्यूएशन निकालने के तरीके में कुछ और इजाफा हो पाए मेरे नॉलेज में। और इसके लिए मुझे इंतजार रहता है मोतीलाल ओसवाल की वेल्थ क्रिएशन स्टडी का। जी हाँ, आज मेरे पास फिर से एक नई रिपोर्ट आई है और यह है 22वीं रिपोर्ट जो वेल्थ क्रिएशन स्टडी पर बनाई है, और जिन्हें हम आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के वॉरेन बफेट रामदेव अग्रवाल साहब है, जो दिन रात मेहनत करके ये रिपोर्ट्स बनाते हैं। आज मेरे साथ हैं स्टूडियो में। सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवास पर। इतनी बड़ी और बेहतरीन रिपोर्ट से बनाई है, कितना वक्त लगा पहले तो ये बताइए। हमको हर साल ढाई महीने लगता है, फिक्स है या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर जैसे ही सब पूरे रिजल्ट्स आ जाते हैं 30 तारीख को, राइट, उसके बाद जो है इमीडिएटली फर्स्ट वीक से, मतलब एक्चुअली लास्ट वीक ऑफ सितंबर से चालू करते हैं। फर्स्ट कहा था, लेकिन मेरा टाइम स्टार्ट होता है अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर फुल एंड दिसंबर, ये हमारा टिपिकली 12-14 तारीख होता है, इस बार 8 तारीख कर रहे हैं। सो और मुझे ऐसा लगता है जैसे जनरली हम लोग बजट हमारे लिए बड़ी इवेंट होती है, हम बजट के बाद है ना थोड़ा एक छुट्टी लेने के मूड में आते हैं कि इतना काम कर लिया, इतना काम कर लिया। वैसे वेल्थ क्रिएशन स्टडीज के बाद मुझे याद है आप लगभग हर साल छुट्टी पे जाते हैं, जाने पड़ता है क्योंकि अदरवाइज वापस नहीं आ सकते। ये 2 साल जो एकदम हम जंगल में चले गए ऐसा लगता है, क्योंकि दिन भर वही उसी सब्जेक्ट पर घूमते रहने का, 10-10 घंटे उसमें लगे रहने का और उसी सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते आने का, क्योंकि आप मतलब ये ऐसा है कि यू आर गोइंग फॉर न्यू नॉलेज। करेक्ट। और न्यू नॉलेज क्या होता है कि आपने पुस्तकें पढ़ ली, सबके सुन लिया, सबके वीडियो सुन लिया, बफेट साहब को पढ़ लिया, फिशर साहब को पढ़ लिया, फिर उसके बाद भी लेकिन उस सब पढ़ के भी पैसे नहीं बनते बाजार में। सो यू हैव एंड देन व्हाट एवर यू डू इट गेट्स कॉपीड नेक्स्ट ईयर, सो हाउ डू यू गो अहेड, सो यू हैव टू ऑलवेज सर्च फॉर न्यू नॉलेज। तो इंटरेस्टिंग बात है कि ज्ञान अपनी जगह है और इन्वेस्टिंग अपनी जगह है। जो ज्ञान से इन्वेस्टिंग तक का सफर तय करना है उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। तो ये बताइए सर, इस बार ये जो 22वीं वेल्थ क्रिएशन स्टडी है आपकी, इसकी सबसे बड़ी सबसे खास बात क्या है? इसमें क्या है, देखिए हम जो QGLP बोलते हैं उसमें जो लॉन्जिविटी पार्ट होती है, क्यू मतलब क्वालिटी ऑफ बिजनेस, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, करेक्ट, जी मीन्स ग्रोथ, ये दोनों चीज क्वालिटी ऑफ ग्रोथ है। उसके बाद क्या है, ये मालूम नहीं पड़ता कि कितना लंबा चलेगा, क्योंकि देखिए HDFC लिमिटेड 78 में बना, 81 से प्रॉफिट कमा रहा है, 81 से अभी 2017 तक मतलब कितने हो गए, 37 साल हो गए, हर साल 20% से ग्रो होता है। मेरे ख्याल से कोई भी वहां पर बंदा नहीं होगा जो 81-82 में जब भी पब्लिक इशू आया होगा वो जो खरीदा हुआ अभी तक बैठा होगा। हाँ, बहुत कम मिलेंगे, मुश्किल है, शायद ही जो प्रमोटर होंगे दीपक भाई खुद और उनको छोड़े शायद एक दो होंगे, बाकी किसी के पास नहीं होगा। लेकिन कंपाउंडिंग में क्या होता है, देखिए कंपाउंडिंग में होता क्या है, वेल्थ कहाँ बनता है, रियल वेल्थ कहाँ बनता है। जैसे आपने 1 रुपए में खरीदा, आपको कंपाउंडिंग मशीन चालू होता है 25% से, सो 10 साल में आप 1 का 10 हो गया, तो आपका परचेस प्राइस फिक्स हो गया, आपने खरीदा ईयर वन में, सो 1 रुपया होगा, 1 रुपया 10 हो गया। अभी अगले 11 से 20 जो अगला 10 साल होता है उसमें आपका वापस 10 गुना होगा, तो 10 का 100 हो गया। लेकिन जब 10 का 100 हुआ आपका परचेस प्राइस 1 ही रुपया है, आपको 90 रुपए बना था, अभी पहले 10 साल में सिर्फ 10 रुपए बना, 9 रुपए बना, दूसरे 10 साल में आप बोलते हैं 25% बना करके, लेकिन बनता कितना है, 90 रुपया, आपको परचेस प्राइस देखा है, तो आपको वेल्थ तो बहुत बड़ा होगा ना, 1 का 1000 हो गया, और वापस मान लो 20 से 30 साल हो गया तो वो 100 जो है 1000 हो जाता है। उस समय जो है ना आपको 900 रुपए बनता है। तो की ये है कि शुरुआत जिसने जल्दी की और जो ज्यादा लंबे समय तक बना रहा। हाँ, लेकिन सवाल क्या है, आप वही बैठे हैं जहाँ ये जादू होने वाला है, ये जादू ऑफ लॉन्जिविटी ऑफ ग्रोथ कहाँ होने वाला है, वो इस सब्जेक्ट का, इस रिपोर्ट का मतलब देखिए कोई फ्यूचर देखने वाली बात है, तो फ्यूचर तो हम परफेक्ट देख ही सकते कभी, सही बात है ना, लेकिन कैन वी इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग Where it is going to happen? तो 10 जैसे 20 कंपनी खरीदे हैं उसमें भी 10 भी सही निकल जाए, देखिए स्टॉक मार्केट में क्या होता है, इफ यू गो रॉन्ग यू कैन लूज ओनली 1x, बट इफ यू आर राइट यू कैन गेट 100x। सही बात है। तो सवाल क्या है कि कुछ गलतियां जरूर होंगी, लेकिन गलतियां कम हो और सही ज्यादा हो ताकि हम उस टाइप की कंपनीज खरीद सके, तो उससे क्या होता है, जो हमारे रिटर्न मान लो कोई फंड मान लो 20 आ रहे हैं उसका यदि 25 हो जाए, 27 हो जाए, क्योंकि उसमें एक दो सही चीज ले लें और एक दो गलत चीज हम बाहर निकाल लें जहां कंपाउंडिंग नहीं होने वाला है। तो ये जो आप यदि कैप एंड गैप फ्रेमवर्क समझेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल है, आप अंदर पढ़ेंगे तो यदि ध्यान से देखते आएंगे
कि कौन कौन सी कंपनी में ये सिचुएशन है, कि इंडस्ट्री सिचुएशन कैसा है, इंडस्ट्री का ग्रोथ कैसा है, कंपनी की स्ट्रेटजी कैसी है, कंपनी का माइंड सेट है। सो जो आप मैनेजमेंट से मिलते हैं, आप तो रोज ही 2500 मैनेजमेंट से मिलते हैं, आप ये पता करें कि भाई कंपनी का मैनेजमेंट का माइंड सेट ग्रोथ का माइंड सेट है कि कितनी भूख है उनको ग्रोथ की, कितनी हंगर है और कैसा ग्रोथ माइंड सेट है। मतलब आज आज देखिए जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, रिलायंस है सबसे बड़ी कंपनी, अब उसमें ग्रोथ माइंडसेट कैसा है, 40,000 करोड़ कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी एक ऐसा बड़ा एम्पायर खड़ा करना टेलीकॉम में जहां पर वो लाख करोड़ कमा सके, तो एक वो हंगर फॉर ग्रोथ है वो। अच्छा सर, ये आपकी जो स्टडीज में मैं दो सबसे बड़े पॉइंट्स देख रहा था, कैप और गैप। पहले कैप, कैप का मतलब, और एक चीज मैं बताऊं, नो डाउट दिन भर मार्केट चलता है, हम काफी कुछ बात करते हैं, खरीदो बेचो शेयर के भाव, लेकिन सीएनबीसी आवाज पर ढेर सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो वाकई में क्वालिटी डिस्कशन सुनना देखना समझना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, तो उसके पर्सपेक्टिव से कैप जो आप ये बता रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पीरियड, इस टर्म का क्या मतलब है और आप इसे अपनी वेल्थ क्रिएशन में कैसे अप्लाई करते हैं? So, क्या होता है, हर बिजनेस चालू होता है एक बहुत हम्बल बिगनिंग होता है जी। और उसमें क्या होता है, आप 5-10-15 करोड़ से या 100 करोड़ से आप बिजनेस चालू करते हो, लेकिन शुरू में 5-10 साल करीब स्ट्रगल होता है और करीब 90-95% बिजनेसेस दे डाई आउट, फेल एंड दे नेवर सी द डे, लेकिन जो चलता है वो कंपनी पहले प्रॉफिट कमा दे, बेसिक प्रॉफिट कमाएगी भाई, 2 करोड़ प्रॉफिट कमाया, जैसे HDFC ने 1981 में 60 लाख प्रॉफिट कमाया, 60 लाख सिर्फ। हाँ, अब वो 60 लाख प्रॉफिट अभी इस साल में 11,000 करोड़ कमाया उन्होंने, तो वो जो 60 लाख प्रॉफिट है उसको कम ना समय प्रॉफिट प्रॉफिट सब मिला गया, बिल्कुल, तो प्रॉफिट कमाया। फिर उसके बाद क्या होता है, वो 60 का 1.5 करोड़ हो गया, फिर 1.5 का 3 हो गया, 3 का 6 हो गया, ऐसे उन्होंने 5-6 साल कमाए, अब वो उनकी मशीन चालू हो गई, उनको समझ में आ गया भाई पैसा कैसे कमाने का, नाउ यू हैव टू रेप्लिकेट। तो वो जो जो पैसे कमाने की जो कला आ गई उसको हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पर बोलते हैं। अच्छा, भाई आपकी प्रॉफिट कितनी बन रही है, आपका आपने लगाया था 100 करोड़, उसके ऊपर अभी आप बैंक में डाल दे तो 10 करोड़ ऐसे बनने वाले हैं, राइट, आप 20 करोड़ कमा रहे हो क्या, 30 करोड़ कमा रहे हो क्या। तो ये जो जब आप कंपटीशन को बीट करके पैसे कमाना चालू करते हो और आप बोलते आ जाओ जिसको आने गया है, मैं तो पैसे कमाऊंगा ही, तो वो जब मौका आया था कंपनी का, सो दैट इज द स्टार्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पीरियड, कि आपने कॉम्पिटिशन से कॉम्पिटेंस से आपका ज्यादा एडवांटेज है फॉर डूइंग दैट बिजनेस। कंज्यूमर तो बैठा है सामने होम लोन लेने के लिए या बैंकिंग करने के लिए या कार खरीदने के लिए, लेकिन कैन यू गिव हिम बेटर वैल्यू एट लोअर कॉस्ट एंड लोअर प्राइस। जैसे मारुति है, मारुति जैसे जो जो कार 7 लाख में बेचती है कोई दूसरा बंदा 7 लाख में बना ही नहीं सकता, बना नहीं सकता और बेच सकता है, राइट। अच्छा, यहाँ तो पूरा कार खाली, मतलब कार लेस कंट्री है, तो कार लेस कंट्री मतलब 130 करोड़ जनता है और मुश्किल से 1.5-2 करोड़ कार है रोड के ऊपर, सही बात है, और कार होनी चाहिए कम से कम 400-500 मिलियन, मतलब पूरा रास्ता खाली है, लेकिन भाई ये महारथी बैठे हैं जो 7 लाख में कार रहते हैं और पैसे कमा रहे हैं, तो कोई दूसरा आएगा तो लोग पूछेंगे भाई कैन यू गिव मी एट 675, तो वो नहीं कर पा रहे हैं। सो दैट इज वेयर दे हैव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ ब्रांड एंड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड इन टर्म्स ऑफ स्केल ऑल्सो। तो जब ये ऐसा मौसम पहुंच जाता है तो ये पैसे छापने की मशीन बन जाती है, उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कंपनी। ओके, अच्छा दूसरा जो आपने कहा कि ग्रोथ एडवांटेज पीरियड गैप, इसका क्या मतलब है और इसे आप कैसे लागू करते हैं जब इन्वेस्टमेंट करते हैं? तो हाँ जी, तो ये क्या है, ग्रोथ एडवांटेज पीरियड जो है ये नया कंसेप्ट हमने इस बार इंट्रोड्यूस किया है। गैप तो आप गूगल करेंगे तो आपको काफी उसमें लिटरेचर मिलेगा, राइट, लेकिन गैप ग्रोथ एडवांटेज पीरियड जो है वो एक नया तरीका है ये बोलने का कि भाई हर कंपनी जो है का एक लाइफ साइकिल होता है, बच्चा होता है, बच्चे से बड़ा होता है थोड़ा सा तभी ग्रो होता है, और उसके बाद फिर एक फेज आता है जब वो बहुत रैपिडली ग्रो करता है, 10-15 साल 20 साल डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कंपनी, लाइक HDFC इज ग्रोइंग फॉर लास्ट 40 इयर्स एंड इट्स स्टिल ग्रोइंग, बट जैसे इन्फोसिस है, इन्फोसिस 93 में चालू हुआ, 93 से 2017 तक 2008-09 तक तो 40-45% से ग्रो हुआ, उसका थोड़ा स्लो होकर 20-25% से हुआ, अब दे आर स्ट्रगलिंग एट इवन टू ग्रो एट 90%। सही बात है। सो ये जो ग्रोथ फेजेस होते हैं, ग्रोथ एडवांटेज पीरियड होता है कि भाई आप पूरा कंट्री ग्रो हो रहा है 15% से, कैन यू ग्रो फास्टर देन, सी यदि मैं 15% से नीचे ग्रो हूँ तो मेरे कोई ग्रोथ एडवांटेज नहीं है, सही बात, मेरे पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, मेरे पास प्रॉफिट भयंकर है,
मैं 40,000 कमाता हूँ, 50,000 कमाता हूँ, लेकिन मैं जितना कमाता हूँ वो ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। सही बात है, उतना ही रहेगा। हाँ, ज्यादा करना है तो फिर कुछ और चाहिए। किस स्पीड से आप ग्रो हो रहे? सो दैट इज अ, सो कैप इज सेपरेट एंड गैप इज सेपरेट। तो मेरा ग्रोथ रेट कैसे चल रहा है? बिकॉज बाजार में क्या होता है, एक सी बाजार में दो वैल्यूएशन होता है, बाजार में करंट प्रॉफिट का होता है और ग्रोथ का होता है, 50-50 होता है। तो करंट प्रॉफिट का तो वैल्यूएशन मेरे को पूरा मिलेगा, भाई मैं बहुत अच्छे से कमा रहा हूँ, कुछ नहीं सकता मेरे को। हाँ, लेकिन आगे मेरा ग्रोथ स्लो हो गया, लेकिन मेरे दूसरे कंपनीज हैं वो उनका ग्रोथ बहुत ज्यादा है, तो द कैपिटल स्टार्ट शिफ्टिंग टू द ग्रोइंग कंपनीज। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि फिर वो कंपनियां ढूंढनी चाहिए जिन्हें कॉम्पिटेटिव एडवांटेज भी है और साथ ही ग्रोथ एडवांटेज भी है, उन शेयरों में फिर पैसा लगाना चाहिए। तो यहाँ पर वो शेयर कैसे ढूंढे जाए, इस पर मैं सर से पूछूंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के ज्वाइंट एमडी और को-फाउंडर रामदेव अग्रवाल साहब, और हम बात कर रहे हैं उनसे 22वीं वेल्थ क्रिएशन स्टडी के बारे में। और ये बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट में दो चीजों पर रामदेव सर ने बड़ा फोकस किया, कैप और गैप, यानी कि किन कंपनियों के पास कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है, यानी कि अपने जो साथ में दूसरी प्रतिद्वंदी कंपनियां हैं उनसे वो कितना बेहतर कर सकती है, और दूसरा ये एडवांटेज है जो वो कितने लंबे समय तक चलने वाला है ग्रोथ के लिहाज से। सर ये पास्ट देखकर तो समझ में आता है कि अभी 30 साल पहले आज पढ़ते तो लगता है HDFC बैंक सही था, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं ये सब सही थे। अब आज अगर इस रिपोर्ट को मुझे किन्हीं शेयरों पर अप्लाई करना है, इसके दम पे ये पता करना है कि अगले 20-30 साल कौन सी कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा ग्रो करेगी और ज्यादा लंबे समय तक ग्रो करेगी, वो कैसे पता करूं? वही मतलब मेन क्रक्स है, वही हम भी जो आप क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, मैं 1 अक्टूबर को अपने आप को वही क्वेश्चन पूछा जी, हमें ना उसका आंसर हमने देने की कोशिश की जी। कोई आंसर परफेक्ट नहीं होता है, राइट। तो इसमें क्या है कि यू कैन नेवर बी परफेक्ट कि भाई मैं बोल सकूं कि ये कंपनी इतने साल, हो सकता है कि HDFC खुद ही 40 साल और चल जाए। HDFC बैंक का 20 साल हुआ है, जब HDFC से 20 साल बाद चालू हुआ, वो 96 में चालू हुआ, वो 80 से चालू हुआ, तो मतलब 18 साल के बाद चालू किया, एंड येट नाउ HDFC बैंक इज बिगर देन HDFC एंड द ग्रोथ रेट्स आर स्टिल 22-25%। तो अभी बहुत लंबा रास्ता है, यही तो खास बात है कि मतलब कोई ऐसा नहीं कि कल तक का दिन जो है, मतलब 2017 में जो हुआ वो पास्ट है और कुछ पूरा का पूरा कोई नया अवतार हो जाएगा, नई कंपनी आ जाएंगी, नवे पूरे सेट है, ऐसा कुछ नहीं है। 80-90% ऑफ द कंपनीज फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स आर गोइंग टू बी द सेम कंपनीज। अच्छा, इन्हीं में से ढूंढना है, इस एक तो उसमें से ढूंढने का, आपको नए भी आएंगे, नए बच्चे तो आएंगे ना, नए बच्चे जरूर आएंगे। सो इसके लिए हमने फ्रेमवर्क बनाया है, उसमें ये इंडिपेंडेंट है, मतलब नए और पुराने दोनों को एक साथ देखता हो। तो अच्छा, हाँ, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आप देखें कि जैसे हमने इसमें फ्रेमवर्क दिया है, थोड़ा सा टेक्निकल है, FFHH। तो FF क्या होता है, सबसे पहला होता है कि जैसे आप कैप पहले खोजने का है, पहला कैप खोजने का कि कहाँ पर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, कहाँ पिटाई कर रहा है कॉम्पिटिशन के। यदि जब तक वो कॉम्पिटिशन पिटाई नहीं करेगा तो कॉम्पिटिशन जब भी पैसा कमाएगा तो कॉम्पिटिशन आगे उसका गेम खराब करेगा। ठीक बात है, है ना। सो वेयर इज द कैप, सो कैप जो कहाँ पर कोई आदमी सुपीरियर है अपने कॉम्पिटिशन से, तो उसके लिए पहले ये देखना पड़ता है कि इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कैसे है, हाउ द इंडस्ट्री स्ट्रक्चर। तो माइकल पोर्टर साहब ने हम लोग को अच्छे समझाया कि भाई देयर आर 5 फोर्सेस। तो सबसे पहले क्या देखने का है कि इंडस्ट्री राइवलरी कैसा है, कि मतलब सब कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं कि देयर इज अ पीस, आप भी खाओ मैं भी खाऊंगा, एक चमन है, मतलब सीमेंट कंपनी की तरह, नहीं कि टेलीकॉम कंपनी की तरह, वही। तो एक तो पहले बात, सबसे पहले वो देखने का, फिर उसका देखने का कि भाई जब मैं पैसे कमाऊंगा तो कोई बाहर वाला आके मेरा गेम तो खराब नहीं करेगा। ठीक बात है, इज देयर एंट्री बैरियर, कि भाई मैं ब्रांड ऐसा है कि भाई लोग ब्रांड ही पूछते हैं, तो भाई तू बना ले जो बनाने का, जितना लिखा बनाने बनाए, लेकिन मेरे को चाहिए ब्लैक लेवल या रेड लेवल और जो भी ब्रांड्स हैं। सो देन व्हाट डू डू, बिकॉज यू कांट क्रिएट ब्रांड ओवरनाइट, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, लिकर एनीबडी कैन मेक, बट हाउ डू यू क्रिएट अ ब्रांडेड लिकर, करेक्ट। सो देयर इज अ एंट्री बैरियर, ओके। सो जहां पर से एंट्री बैरियर हुआ तो फिर क्या होता है, लाइसेंस मिल जाता आपको पैसा कमाने का। तो ये तो कंट्री है यहाँ पर, मतलब ना तो मतलब गाड़ी है, ना घर है, ना खाना है, ना पीना है, मतलब सब कुछ होना बाकी अभी आगे। तो जो जहां पर एंट्री बैरियर बहुत ज्यादा है, वहीं आपके पैसे सबसे ज्यादा बनने वाले हैं और बहुत लंबे तक बनने वाले, क्योंकि इकोनॉमी, मैं 30 साल से बाजार में हूँ, जो मैं 30 साल से देखा
कि जो 100 का इंडेक्स वो 33,000 का इंडेक्स हो गया, वैसे इकोनॉमी जो है मेरे ख्याल से 50-60 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो गई, मतलब कंप्लीट गरीबों का इकोनॉमी था, 95-97% दो चार लोगों के पास पैसे थे बस, पैसे थे। अब वो जो है यहाँ से करीब 60-70% लोगों के पास अच्छे पैसे आ गए, 25-30% अभी भी, 1/3 अभी भी थोड़ा गरीबी है, वो अगले 10 साल में पूरी गरीबी खत्म हो जाएगी। तो आप एक चीज शुरुआत में एक चीज बोल रहे थे कि न सिर्फ पुरानी कंपनी में ढूंढना जो लिस्टेड है, कई सारे नए प्लेयर्स आ रहे हैं। ये नए प्लेयर्स क्या, अभी जैसे एक जो मोस्ट हैपनिंग सेक्टर है फाइनेंशियल सर्विसेज, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, क्या इसमें ये फॉर्मूला फिट होता है? सब जगह फिट होता है, सब पूरे विश्व में फिट होता है, इंडिया में फिट होता है। हाँ। अब इसमें क्या है, देखिए आपको इस इंडस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे म्यूचुअल फंड में चलाता हूँ तो आप म्यूचुअल फंड के बारे में पूछे, अभी कोई ज्यादा चीज लिस्टेड नहीं तो अपन उसके बारे में ज्यादा बात कर सकते हैं। ठीक बात है ना। सो जैसे म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में क्या है, देखिए अभी जो फ्लो है अभी 20-21 लाख करोड़ का है, उसमें 7-8 लाख करोड़ का आपका इक्विटी है, और इक्विटी बहुत रैपिडली फ्लो हो रहा है, बिकॉज फर्स्ट टाइम इक्विटी में मतलब लोगों को समझ में आ रहा है कि पैसा बनेगा। हाँ, पैसा बनेगा। दूसरा ये कि डायरेक्ट इक्विटी माने से अच्छा ये म्यूचुअल फंड से है ना, क्योंकि कोई डायमंड मर्चेंट है, कोई रियल एस्टेट वाला, वो बेचारा अपने आप में परेशान है। हाँ, वो यहाँ कहाँ आगे परेशानी लेगा, आपको आवाज देखेगा, ये करेगा, वो करेगा, तो यू नो ही मस्ट यूज द प्रोफेशनल। ठीक बात है। तो म्यूचुअल फंड में बहुत फ्लो आ रहा है और अनप्रेसिडेंटेड है। सो जो 7 लाख का जो ये है, जो सी जनरली इट इज मेजर्ड कि भाई आपको बैंक डिपॉजिट कितना है, तो बैंक डिपॉजिट 100 लाख करोड़ है, तो 100 लाख करोड़ के सामने सिर्फ 7 लाख करोड़ का आपके पास इक्विटी है, तो 50-60 लाख करोड़ तो होता है, दिख रहा है मेरे को अगले 10 साल में। सो ये 10-12 साल में हो जाएगा, तो 25% ग्रोथ मेरे दिखता है इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री देख लो आप, इंडस्ट्री परफेक्ट है। अब उसे देखिए कि इंडस्ट्री में अट्रैक्टिवनेस कैसा है, सब एक दूसरे के मारपीट कर रहे हैं नहीं, कि इसमें मारपीट करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, इसमें हर आदमी का अपना खुद का अपना हिस्सा है कि भाई मैं यदि अच्छा करूंगा, यदि आपको मेरा स्टाइल पसंद आएगा तो ही आप मेरे दोगे। आप यदि मैं अच्छा कर रहा हूँ लेकिन आपको मेरी स्टाइल पसंद ही नहीं आती है, हाँ, तो आप क्यों दोगे? आप कहीं और जाओगे। तो हर हाउस का अपना स्टाइल है, हाँ, तो हो गया। तो एंट्री तो इसमें क्या है, अच्छा मतलब यू कैन विन ऑन योर ओन मेरिट्स, आपका आपको कोई दुकान खराब नहीं कर सकता है। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी ग्रो होते आ रहे हैं, लोकल भी है, ग्लोबल भी। सो दिस अ वेरी नाइसली ग्रोइंग इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी, एंड यू सी वेदर यू आर गुड। अब क्या कंपनी के ऊपर आता है कि भाई आप अच्छे हो नहीं हो, तो जैसी कंपनी अच्छी होगी, जो म्यूचुअल फंड बहुत अच्छे करते हैं, इसमें तो क्या देखिए कैपिटल लगना नहीं है, तो प्रॉफिट विल बी वेरी हाई, कैश फ्लो विल बी वेरी गुड, एंड ग्रोथ के लिए आपको कैपिटल की उतनी जरूरत नहीं है। सो इट्स अ फैंटास्टिक इंडस्ट्री, उसमें फैंटास्टिक प्लेयर खोल लो आप, बस बस। अच्छा सर एक चीज, मैं आपकी स्टडी जो पढ़ रहा था उसमें 3 क्राइटेरिया आपने रखे, बिगेस्ट, फास्टेस्ट और मोस्ट कंसिस्टेंट। तो अभी आपकी ये बिगेस्ट में सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर टीसीएस है पिछले पांच सालों में सबसे फास्ट वेल्थ बनाने वाला अजंता फार्मा है, एक फार्म आईटी है, दूसरा फार्मा है, और सबसे ज्यादा इस वक्त लोग अगर डरे हुए हैं दोनों से, इन दोनों से। तो अब बड़ा सवाल है कि अब तक तो बन गई, या अब आगे वेल्थ बनेगी या नहीं बनेगी, ये कैसे पता लगाएं? हाँ, तो ये इसमें इंडस्ट्री की जो समझ है और जो कंपनी की समझ है जी, वो सी जो अजंता का, अजंता में जो इन्वेस्टर है, सो इंसिडेंटली वी हैव आल्सो इन्वेस्टेड एंड वी नो द मैनेजमेंट वेल एंड वी कैन टॉक टू देम एंड ऑल, टीसीएस में भी हमने पैसे बनाए हैं। सो दी आर इंडस्ट्रीज विच आर द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज फ्रॉम इंडिया, एंड दे हैव मेड लॉट ऑफ मनी, एंड दे विल मेक लॉट ऑफ मनी इवन फ्रॉम योर इंडस्ट्री। का प्रोस्पेक्ट इज फेयर, मतलब जिस स्पीड से पहले ग्रो हुआ जीरो से, वो तो स्पीड तो निकल गया एक बार। अब जैसे आपका आईटी एक्सपोर्ट है बिकम 120 बिलियन डॉलर्स, 95-96 में मे बी 1 बिलियन और 2 बिलियन वॉज एक्सपोर्ट। सो वहाँ से आप 1-2 बिलियन से आपने 120 बिलियन कर लिया है। अब यहाँ से तो आप वापस 50 में तो नहीं कर सकते आप, लेकिन कैन सम कंपनीज ग्रो एट 15-20%? तो उसके लिए जो पहले का जो मॉडल था उसके कारण से वो मॉडल खत्म हो गया, मतलब वो मॉडल हैज कम टू काइंड ऑफ अ मैच्योरिटी। वहाँ पर आपको 5-7% 8% ग्रोथ हो रहा है, लेकिन आपको जो डिजिटाइजेशन का जो मॉडल है, जो वहाँ पर जो नया बिजनेस मॉडल आ रहा है, That is growing very rapidly, but that's very small. तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी बाकी आगे, और वो कंपनी में कितना ग्रोथ माइंडसेट है, कितना मतलब उनमें दम है आगे, यहाँ से इस साइज से बड़ी कंपनी में कितना दम है कि वो आगे 100 बिलियन का या 200 बिलियन डॉलर की कंपनी बने, वो आपको समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आता है, दैट इज नॉट योर कप ऑफ टी। ये समझ में आता है
तो आप खेलो उसको फिर। अच्छा, एक आपकी स्टडी में जनरली कहीं सरकारी कंपनियों के नाम आते नहीं है तो इस बार थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कहीं कहीं सरकारी कंपनियों ने वेल्थ क्रिएट करने का इशू किया। 5-7 कंपनियों का नाम, हाँ 5-7 कंपनियों, बड़े लंबे समय बाद IOC वगैरह इन कंपनियों में नाम देख रहा था। एक तरफ सरकारी कंपनियां हैं कुछ चुनिंदा जिन्होंने वेल्थ बनाई है, दूसरी तरफ सरकारी बैंक है जिन्होंने सारे पैसे उड़ा दिए। ठीक है, तो अभी इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे करें और कैसे पता लगाना है कि हाँ सरकारी कंपनियों में भी वेल्थ बन सकती है। देखिए, एक एकदम बहुत इजी चीज है बाजार में, वो ये है कि आपको जब तक कुछ समझ में नहीं आया ना आपको नहीं करना है। दैट इज द फर्स्ट रूल ऑफ इन्वेस्टिंग, डू ओनली इफ यू अंडरस्टैंड, दैट इज द फर्स्ट थिंग। इसमें देखिए, आप सबसे ऊपर में लिखा है बफेट साहब का लेटेस्ट कोट लिखा है, द स्ट्रेटजी इज टू फाइंड अ गुड बिजनेस, ओके, एंड वन दैट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई इट्स गुड। आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई इट्स गुड, आपकी समझ से मेरी समझ से आपको फायदा नहीं होगा और आपकी समझ से मेरा फायदा नहीं होगा। सो वन दैट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई इट्स गुड with a durable competitive advantage run by able and honest people and available at a price that makes sense. ये पूरे मतलब इन्वेस्टिंग का सार है, ये उन्होंने 2007 में बोला था, अभी और बहुत अच्छे ढंग से इस बात बोला है। सो ये जब तक समझ में नहीं आया, अच्छा हर आदमी को हर चीज समझ नहीं आ सकता, बफेट साहब को भी सब कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक बात है ना, उनको अमेजन समझ में नहीं आया, वो बोलते हैं कि हमको समझ में आया गलती हो गई, तो हर आदमी को हर चीज समझ में नहीं आएगा। तो आप यदि हर चीज हर आदमी के पोर्टफोलियो से सब पैसा मेरे को बन जाए ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक बात है। तो ये लगता है मतलब कि जो सरकारी कंपनी में है वहां पे भी आपको कंपनी स्पेसिफिक देखना पड़ेगा, ऑब्वियसली, हाँ, कि ऐसा नहीं कि सारी सरकारी कंपनियां अच्छा करेगी या सारी खराब करेगी, नहीं ऐसा कोई वो नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी। इवन सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक भी अच्छा नहीं करेंगे और नहीं भी कर रहे हैं, ठीक बात है। एक तरफ HDFC बैंक है, दूसरी तरफ दूसरे 25 खराब बैंक भी है प्राइवेट सेक्टर में भी, ऐसा नहीं कि पब्लिक सेक्टर खराब। अच्छा, एक और चीज, ये सब तो ठीक है, मार्केट ही नहीं चला तो उससे क्या अंतर पड़ता है? मार्केट मार्केट नहीं चला मतलब क्या है? 50 कंपनी मार्केट नहीं चला मतलब आप निफ्टी की बात, 10,000 निफ्टी है, साल भर में 10,000 की निफ्टी समझिए 7,000 होगी, 7,000 भाव तो सब साथ में, इतना हेडविंडेड एनवायरमेंट में कुछ ज्यादा पैसे बनने वाले नहीं है। मतलब अब 30% यदि बाजार गिरता है तो आप 5-10% निकल सकते हो क्या बाहर, ये देखने का है, समझे ना, क्योंकि आपने पैसे गिरेगा क्यों, क्योंकि आपने पैसे पीछे बहुत बना लिए, कभी भी बिना पैसा बने हुए बाजार गिरता नहीं, ये ख्याल रख लो आप, ये इंटरेस्टिंग बात है। हाँ, कभी भी आप देख लो, कभी मतलब जब अत्याचार कर ले तो पैसे बनाने में तब जाकर बाजार गिरता है या कंपनी गिरता है। अब मतलब 100 करोड़ वाला इंफोसिस जब 2-2.5 लाख करोड़ का हो गया तब जाके थोड़ा स्लो डाउन हुआ ना, बाकी तो हर साल डबल करते थे आप, सही बात, तो मार्केट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मतलब कंपनी अगर अच्छी कर रही तो कर रही है, आगे पीछे पैसा बनेगा। मार्केट यदि 5-10% नीचे गिरता है तो जिस कंपनी का अर्निंग्स डबल होगा ठीक है, 100% नहीं बढ़ेगा, 50% बढ़ेगा, 60% बढ़ेगा, यू कांट स्टॉप अ राइजिंग कंपनी। आपको अल्टीमेटली हम 2000 तक तो हमको मालूम ही था इंडेक्स क्या होता है, ये नास्डेक आया तब जाके केबल टीवी समझ में आया कि इंडेक्स क्या होता है। हम लोग 87 से पैसे बना रहे बाजार में, 87-90 विदाउट लुकिंग एट इंडेक्स। वंडरफुल, तो चलिए, अपना आपने भले कहा कि जरूरी नहीं कि बफेट साहब को सब कुछ पता हो, जरूरी नहीं कि पीटर लिंच साहब को सब पता हो, लेकिन हम तो एक चीज समझते हैं, हमें तो नहीं पता है, तो हमारे लिए एक सिंपल फॉर्मूला है कि साल में एक बार ये स्टडी पूरी अच्छे से पढ़ ले और एक ऐसा इंटरव्यू आपके साथ कर ले जिससे हमारा भी नॉलेज बढ़ जाए और हमारे दर्शकों का भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, अपनी स्टडी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। तो रामदेव अग्रवाल साहब का ये कहना है कि बाजार कहीं भी जाए, अगर आपने सोच समझकर सही कंपटीशन वाले कंपनी में पैसा लगाया जिनको कंपटीशन का एडवांटेज है और जिनकी ग्रोथ लंबे समय तक चलने वाली है, तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। इस रिपोर्ट को आप पढ़ सकते हैं उनकी वेबसाइट पर जाकर, और जरूर पढ़िए अगर आप एक अच्छा इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। तो आज इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर। नमस्कार।